हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लर्न स्क्वायर चैनल पे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने के लिए हमारा एक पैरेलल चैनल है सौरभ कुमार पांडे जीएस फॉर ऑल, उसको भी आप साथ साथ सब्सक्राइब करते चलें। उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल नोट्स मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल आपको उसमें मटीरियल अवेलेबल है, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल पे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देना है, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में भी प्रिपरेशन करनी है। तो आप इन दोनों चैनलों को साथ ही साथ देखते रहें और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बारे में। हमने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये जो फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के रिजल्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग के फलस्वरूप जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू एडिशन होता है, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था कि वैल्यू एडिशन का मतलब है कि कॉस्ट में, ना सिर्फ कॉस्ट में ही एडिशन होना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन टू द मटीरियल, ठीक है। आज हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आगे जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, डिजाइन देखेंगे जब हम गेटिंग एलिमेंट्स का, तो उसमें गेट के लिए न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और जो आपकी ईएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से कास्टिंग से निकल करके आते हैं। तो इस सेशन में हम वो सारी चीजों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चों ने हमें पीडीएफ के लिए भी बोला है, पीडीएफ की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो ये हम अश्योर कराते हैं कि जो भी टॉपिक हम इधर कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पे उसके हम आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब आइए हम लोग टॉपिक पे अपने सीधे मूव करते हैं। कास्टिंग, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को हम लिक्विड मोल्टेन स्टेज में ले जाते हैं, और उस लिक्विड मोल्टेन मटेरियल को हम पहले से ही बने रिफ्रैक्टरी मोल्ड में उड़ेलते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर इस मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद मोल्ड को तोड़ करके हम जो कास्टिंग है उसको वहां से रिमूव करते हैं, और फर्दर ऑपरेशंस के द्वारा इस कास्टिंग को फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि कास्टिंग जो है काफी ओल्डेस्ट मेथड है, इट इज द ओल्डेस्ट नोन मेथड टू ह्यूमन बीइंग्स। जो कास्टिंग है ये आपकी काफी ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, एंशिएंट टाइम से चलती चली आ रही है, जहां पर हम मटेरियल को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद बाकी की फर्दर प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर आएंगे जिनके बारे में अभी आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता जाऊंगा कि वो बेसिकली है क्या, ठीक है। अब देखिए, जो कास्टिंग है ये क्या करती है, इट अलाउज द मोल्टन मेटल टू सॉलिडिफाई into predefined mold cavity. जो molten metal है, इस molten metal को हम क्या करते हैं, solidify करते हैं पहले से ही बने हुए मोल्ड कैविटी में, ठीक है। देखिए, ये जो मोल्ड कैविटी है
ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसको ही हम कास्टिंग भी कहते हैं। होता क्या है कि कास्टिंग करने के लिए, कास्टिंग के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पैटर्न की और कोर की। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पैटर्न क्या होता है और कोर क्या होता है, इसका डिटेल्ड में डिस्कशन सेशंस आगे, सेशन के आगे बढ़ते बढ़ते होता जाएगा और आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी पैटर्न और कोर के बारे में साथ ही साथ होती जाएगी। ठीक है, पैटर्न आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सपोज करिए कि हमें कोई सिंपल सा शेप ले रहे हैं, हमको इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है कास्टिंग के द्वारा, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो पैटर्न क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पैटर्न जो फाइनल कास्टिंग है उसी के जैसा सिमिलर दिखने वाला ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। हमारी प्रोडक्ट की ही तरह दिखने वाला सिमिलर पार्ट इज कॉल्ड एज पैटर्न। लेकिन इस पैटर्न की भी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, क्या उसकी लॉजिक्स हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो हम जब पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। अभी इस इनिशियल स्टेज पे आप ये समझ लीजिए कि पैटर्न वो शेप है जो हमें फाइनली कास्ट करके बनाना है, और कोर क्या होती है, कोर बेसिकली वो शेप्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट में इंटरनल कैविटी को क्रिएट करते हैं या इंटरनल शेप्स होल्स को जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो पैटर्न है ये अलग अलग मटेरियल्स का होता है। कोर जो होती है बेसिकली हाई स्ट्रेंथ सैंड की होती है। इनको कैसे बनाते हैं मैंने बताया कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो काफी क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो पैटर्न है वो क्या करता है, मोल्ड कैविटी को जनरेट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कास्टिंग का बेसिक जो फंडा है वो है मटेरियल को मेल्ट करना। मेल्ट करने के बाद पहले से बने हुए सैंड के रिफ्रैक्टरी मोल्ड में उसको सॉलिडिफाई करना, इन केस ऑफ सैंड कास्टिंग, जहां पर इसका सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करते हैं और उनके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस, ये फर्दर ऑपरेशंस क्या है इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी हम। और फर्दर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद, प्रोडक्ट पे फर्दर ऑपरेशंस करने के बाद में हम फाइनल ऑब्जेक्ट को अचीव करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस पूरी प्रोसेस को हम फाउंडिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फाउंडिंग। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और जहां पर ये पूरी प्रक्रिया, ये कास्टिंग की प्रक्रिया जिस भी जगह पर हो रही है, दैट प्लेस इज नोन एज फाउंड्री। एक बार ऑब्जेक्टिव में आपके ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जहां पर कास्टिंग होती है उस जगह को क्या कहते हैं, तो फाउंड्री वो प्लेस है जहां पर कास्टिंग से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं, सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उस जगह को हम फाउंड्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर कास्टिंग इंडस्ट्री में या जो कास्टिंग का प्लांट है वहां पर कोई भी प्रोडक्ट को किस तरीके से कास्ट किया जाता है। देखिए, ये जो डिस्कशन हो रहा है ये सिर्फ आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो इंटरव्यू बेस्ड बनते हैं, इसलिए आपको कास्टिंग के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर कास्टिंग के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कैसे बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लिखेंगे स्टेप्स इन कास्टिंग।
कास्टिंग करने के लिए किन किन तरीके से हम चीजों को फॉलो करेंगे ताकि हमारी एक प्रोडक्ट की कास्टिंग की जा सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कास्टिंग में, कास्टिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, पैटर्न मेकिंग। पैटर्न के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया, पैटर्न वो शेप है जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट है, कुछ उसके कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन में। सबसे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये जो पैटर्न है इसके कई सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, वुड है, मेटल का बना सकते हैं, प्लास्टिक्स का बना सकते हैं और अदर मटेरियल्स भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप पैटर्न मेकिंग। पैटर्न बनाने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो होगा सैंड प्रिपरेशन फॉर मोल्ड एंड कोर। कोर के बारे में मैंने बताया कि इंटरनल शेप्स को क्रिएट करने के लिए, हॉलो प्रोजेक्शंस को जनरेट करने के लिए कोर का यूज किया जाता है। हाई स्ट्रेंथ सैंड की बनी होती है कोर्स जो हाई थर्मल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सके। सैंड प्रिपरेशन फॉर मोल्ड एंड कोर, जैसा कि आपको पता है कि सैंड कास्टिंग में जो कैविटी बनती है वो सैंड की बनती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है यहां पर कि सूटेबल सैंड को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सैंड। आप एक प्रॉपर तरीके की सैंड को सेलेक्ट करें, वो सिल्का सैंड हो सकती है या डिजायरेबल प्रोडक्ट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जिसमें रिक्वायर्ड हो, हम उस तरीके की सैंड को सेलेक्ट करते हैं। इस सैंड के द्वारा हम मोल्ड की प्रिपरेशन करते हैं और इसमें हम रेजिन्स मिला करके कोर के लिए सैंड बनाते हैं और उस तरीके से फिर जो कोर की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जा सकती है। तो सेकेंड आपका स्टेप है सैंड का प्रिपरेशन, जो सैंड है आपकी उस सैंड को प्रिपेयर किया जाए। सैंड को प्रिपेयर करने के लिए एक सैंड को सेलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर सूटेबल सैंड, उसके ऊपर टेस्टिंग्स की जाती है लैब में कि हाँ जो मोल्ड के लिए सैंड हमने प्रिपेयर की है उसके अंदर जो एडिटिव्स मिलाने के बाद क्या वो हाई रेजिस्टेंस टॉलरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसमें क्या कमी है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस किया जाए, तो ये सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सैंड में होता है। नेक्स्ट जब आपको एक प्रॉपर सैंड मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, मोल्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैटर्न की सहायता से, जो पैटर्न है हमारा उस पैटर्न पे हम जो सैंड अवेलेबल हुई है उस सैंड के द्वारा हम मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड वो कैविटी है, वो शेप है जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है। ये जो मोल्डिंग ऑपरेशन है ये कई तरीके से हो सकता है, आपकी फ्लोर मोल्डिंग हो सकती है, पिट मोल्डिंग हो सकती है, हैंड मोल्डिंग हो सकती है, मशीन मोल्डिंग हो सकती है। इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन में देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोल्डिंग के द्वारा बनाया जाएगा। मोल्डिंग क्या करेगी, ये एक कैविटी जनरेट करेगी। कैविटी, कैविटी का मतलब वो प्रोडक्ट का शेप जिसमें आपको लिक्विड मोल्टन मेटल को पोर करना है। वो लिक्विड मोल्टन मेटल आप उसमें पोर जब करेंगे तो उस लिक्विड मोल्टन मेटल के पोर करने के बाद जब सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाएगी फिर आपका फाइनल ऑब्जेक्ट वहां से अचीव होगा। यहां तक क्लियर है, कोई किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है, मोल्ड बन जाने के बाद प्रॉपर शेप अवेलेबल हो जाने के बाद हम जो हमारा डिजायरेबल मेटल है, आप जिस भी मेटल की कास्टिंग कर रहे हैं, आप स्टील की कास्टिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की कर रहे हैं या अदर अलॉयज की कर रहे हैं, उस मटेरियल को, पर्टिकुलर मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग एंड पोरिंग ऑफ मेटल्स और एलॉयज। जो अवेलेबल मटेरियल है उस मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। ये मेल्टिंग वेरियस फर्नेस में होती है।
अलग अलग तरीके की फर्नेस हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली और हमारे प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग तरीके की फर्नेस, वो इंडक्शन फर्नेस हो सकती है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने जो मेटल है उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद पोर किया। पोरिंग का मतलब आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि जो पिघला हुआ मटेरियल है उसको डिजायर्ड कैविटी में, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसमें उड़ेलना। अब देखिए होता क्या है कि जो मेटल है वो एक पर्टिकुलर आपका जो फर्नेस है उसमें मेल्ट हो रहा है। अब उस मेटल को मेल्टिंग पॉइंट से पोरिंग पॉइंट तक कैसे लाया जाएगा, तो जिस पॉट में इस मटेरियल को कैरी करते हैं उसको लैडल कहा जाता है। लैडल में मटेरियल को फर्नेस से कैरी करके जो हमारे मोल्ड्स बने होते हैं उन मोल्ड्स में हम प्रोवाइड करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? अब मेल्टिंग और पोरिंग होने के बाद जो मेटल है आपका उसकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है। मटेरियल मेल्ट हो गया है, मेल्ट होने के बाद में आपने पर्टिकुलर जो कैविटी है उसमें मटेरियल को प्रोवाइड किया, वहां पर आपकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी। कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस में मटेरियल का श्रिंकेज होता है, उसकी हम भरपाई कैसे करते हैं, किस तरीके से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, ये डिटेल डिस्कशन में क्लियर किया जाएगा। फिर यहां से जो मटेरियल कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा कैविटी है उसको मोल्ड को ब्रेक द मोल्ड, सैंड का बना हुआ जो मोल्ड है उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद यहां से जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसी ऑब्जेक्ट को कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां से मिला है इस ऑब्जेक्ट को हम फर्दर भेजते हैं क्लीनिंग के लिए। देखिए होता क्या है कि जब आप सैंड कास्टिंग करते हैं कैविटी में पिघले हुए मटेरियल को प्रोवाइड किया जाता है, सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान जो सैंड की कैविटी है, बनी तो वो सैंड की कैविटी सैंड के द्वारा ही है, तो जो सैंड की ग्रेन्स होती हैं वो आपके प्रोडक्ट की सरफेस पे कोलाइड कर जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो उनको नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा आप रिमूव नहीं कर सकते, आप उसको मैनुअली वहां से हटा नहीं सकते। तो हम फर्दर इसको क्लीनिंग ऑपरेशन में क्लियर करते हैं। क्लीनिंग में क्या किया जाता है, क्लीनिंग में आपकी फेटलिंग ऑपरेशन होता है, बेसिकली इसको फेटलिंग शॉप कहा जाता है। फेटलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, आपके मटेरियल, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो एक्स्ट्रा रनर और राइजर है, यहां पर हम रिमूव करते हैं रनर को और राइजर को। देखिए ये दो और नए वर्ड यहां पर आ गए, रनर और राइजर। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि रनर और राइजर गेटिंग एलिमेंट के पार्ट हैं। हम इसको आगे बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, डिजाइन भी इसकी कराएंगे आपको। फेटलिंग शॉप में क्या किया जाता है, जो रनर और राइजर है उसको गैस कटिंग के द्वारा रिमूव किया जाता है और बचा हुआ जो कास्टिंग है उस कास्टिंग को हम भेज देते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग में। शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या होती है, देखिए होता क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सरफेस पे जो फाइन ग्रेन्स स्टिक कर गई हैं, डिफ्यूज कर गई हैं, अब हमें उनको रिमूव करना है। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, स्टील ग्रिड के द्वारा या एब्रेसिव पार्टिकल्स के द्वारा इनको जो प्रोडक्ट है हमारा उस पर हम इंजेक्ट करते हैं विद हाई वेलोसिटी। तो ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो आपकी वर्क पीस है, जो आपका कास्टिंग है, उसकी सरफेस पे जो भी सैंड स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, उनको अपने साथ रिमूव करती है। तो बेसिकली जो शॉर्ट ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है वो सरफेस की क्लीनिंग, सरफेस के ऊपर जो लगी हुई सैंड है उसको रिमूव करना बाय द हेल्प ऑफ स्टील ग्रिड्स, एल्यूमिनियम पैलेट्स, एब्रेसिव पार्टिकल्स। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप इफ यू वॉन्ट टू कोट एनी मटीरियल, अगर आप किसी मटीरियल की कोटिंग करना चाहते हैं, भाई मान लीजिए हम निकल की कोटिंग करना चाह रहे हैं या क्रोमियम की कोटिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई फॉरेन पार्टिकल हो, कोई फॉरेन कंटामिनेंट्स हो,
जिनके कारण आप प्रॉपर कोटिंग नहीं कर पा रहे और उस पर्टिकुलर प्लेस से आपका जो प्रोडक्ट है वो वीक हो जाए, तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो रिमूव्स रस्ट पेंट्स एंड अदर कंटामिनेंट्स। ठीक है, ये इतने स्टेप्स हो गए यहां पर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्लीनिंग के बाद जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को हम फर्दर भेज देते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए क्यों भेजते हैं, इसका हम क्लैरिफिकेशन देंगे यहां पर। जैसा कि आपको पता है कि कास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जो कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होती है कि अगर हम डिस्कशन करें, सपोज करिए कि ये आपका मोल्ड वॉल है, ये आपकी मोल्ड वॉल है, मोल्ड वॉल के कॉन्टेक्ट में जो मटेरियल है, यहां पर जो टेम्परेचर है सैंड है इसके चारों तरफ, मोल्ड वॉल का मतलब ये जो वॉल बनी हुई है ये सैंड पार्टिकल्स के द्वारा बनी हुई है। सैंड पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे है, और क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी मिला होता है तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा और कम टेम्परेचर मान सकते हैं हम। और मोल्टन मेटल जो कि अपनी मेल्टिंग स्टेज के बियॉन्ड टेम्परेचर पे आ रहा है, सैंड वॉल के कॉन्टेक्ट में आने पर ये बहुत ही तेजी से हीट ड्रॉप करता है, और यहां पर जो ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जिनको कि हम फाइन ग्रेन्स कहते हैं। जैसे जैसे मोल्ड वॉल से आप दूर बढ़ते चले जाएंगे, जो सैंड जो मेटल ग्रेन्स हैं वो डेवलप्ड होते जाएंगे। थोड़ा और आप मोल्ड वॉल से दूर बढ़ेंगे तो जो ग्रेन्स हैं आपकी वो थोड़ा टाइम लेकर के सॉलिडिफाई होंगी, तो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा, ग्रेन का जो साइज होगा वो फाइन ग्रेन्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। आप मोल्ड वॉल से और थोड़ा दूर जाएंगे तो ये जो ग्रेन्स हैं ये और थोड़ा सा डेवलप करेंगे अपने आप को इस तरीके से। फाइनली सेंटर के पास में कुछ इस तरीके से ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। सॉलिडिफिकेशन में हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रेन्स बने हुए हैं ये आपके फाइन ग्रेन्स हो गए। ये कहलाती है आपकी कोर्स ग्रेन्स, ये आपकी कहलाती हैं कॉल्यूमिनार ग्रेन्स, और ये हो गए आपके इक्वी एक्स ग्रेन्स। एक्सिस से चारों तरफ ये इक्वली बढ़ रहे हैं इसलिए इक्वी एक्स ग्रेन्स। तो जैसा आपने देखा कि सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान जो आपका प्रोडक्ट का मटेरियल है वो यूनिफॉर्म कूल नहीं हो रहा है, तो अगर ये यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है वो नहीं मिल पाएंगी हमें, और प्रोसेस के दौरान इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, उन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, रिलाइव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यहां से क्लीनिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की गई। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद अब जो आपका प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन का मतलब कि आपके प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके के टेस्ट करते हैं, क्या वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इन टेस्ट के बाद में हमको फाइनली उस
जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई जो हम डिजायर मैकेनिकल उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहते हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी डक्टिलिटी क्या है और जो रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टीज है टफनेस क्या है, ये सारी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के दौरान क्लियर हो जाती है। टेस्टिंग इंस्पेक्शन होने के बाद अब आपका जो मटेरियल है जो प्रोडक्ट है वो फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अब ये डिस्पैच के लिए रेडी है, रेडी फॉर द डिस्पैच, डिस्पैच के लिए रेडी है मतलब कि अब आपका जो कास्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये फाइनल प्रोडक्ट अब आपका मार्केट में जो है यूज करने के लायक हो गया है। यहां से क्लियर है सभी को? ये स्टेप्स इन कास्टिंग है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप जब कास्टिंग या फाउंड्री इंडस्ट्री में जाएंगे तो इन सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी कास्टिंग टर्मिनोलॉजीज आई हैं जिनके बारे में अभी हम ये काफी दिनों तक ऐसा डिस्कशन चलते रहेंगे, काफी सारे सेशंस में इसके बारे में और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कास्टिंग, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये आपकी स्टेप्स ऑफ कास्टिंग हो गई। अब जो कास्टिंग की प्रक्रिया है, इस कास्टिंग की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हम कास्टिंग कर रहे हैं, काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कास्टिंग करने में। हम देखते हैं कि कास्टिंग की क्या एडवांटेज है। इसकी क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, उनके क्या एप्लीकेशंस और क्लासिफिकेशंस है। नोट्स मैं आपको देता रहूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके एग्जाम्स होने के पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर कर दें। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एडवांटेज ऑफ कास्टिंग। देखिए इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर, इट इज सूटेबल फॉर मेकिंग इंट्रिकेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल शेप्स। क्या मतलब हुआ इसका? कास्टिंग, कास्टिंग का जो फायदा है वो क्या है कि आप कास्टिंग के द्वारा कॉम्प्लेक्स शेप्स, इंट्रिकेट जो कि बहुत ही डिफिकल्ट शेप्स हैं, हो सकता है उसमें कोई ट्विस्ट हो, कर्व हो, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मशीनिंग करने में हमको काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपकी हाउसिंग्स हो गई, पिस्टन रिंग्स हो गई, तो ऐसे इंट्रिकेट शेप्स, इंटरनल कैविटीज हो गई, एक्सटर्नल कैविटीज हो गई, इनको बनाने के लिए कास्टिंग बहुत ही सूटेबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है, मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म, मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप लिक्विड फॉर्म को जब मोल्ड कैविटी में प्रोवाइड करोगे तो वो इजिली फ्लो हो करके किसी भी तरीके के इंट्रिकेट शेप में, इंटरनल शेप में, एक्सटर्नल शेप में पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है? दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। जो हमारे फेरस मेटल्स होते हैं इनका जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो हम इनको फेरस मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए भी हम कास्टिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कास्टिंग डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल।
टैक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जिनको इजिली हम खींच करके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस जिनकी ड्रॉएबिलिटी अच्छी होती है। और ब्रिटल मटेरियल जनरली वो होते हैं जिन पे आप ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है आपकी दोनों तरीके के मेथड्स के लिए यूज की जा सकती है। नेक्स्ट है, बाय दिस प्रोसेस वी कैन प्रोड्यूस हाई साइज प्रोडक्ट्स। इस प्रक्रिया के द्वारा हम काफी बड़े बड़े कास्टिंग्स कर सकते हैं, लगभग 200-300 टन तक की जो कास्टिंग है वो की जा सकती है। ये जो प्रोसेस है ये काफी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर के 300 टन तक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम इस प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो है, इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टूल्स यूज होते हैं यहां पर, टूल्स यूज्ड आर लेस कॉस्टली। जो हम टूल्स यूज करते हैं जिनके द्वारा हम फर्दर प्रोसेस करते हैं वो उतने ज्यादा कंपेरेटिवली उतने ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो ये तो आपके कुछ सर्टेन एडवांटेज हो गए कास्टिंग प्रोसेस के। अब हम देखेंगे कि कास्टिंग के डिसएडवांटेज क्या है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी चीज है अगर उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। पहला क्या डिसएडवांटेज है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सॉलिडिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान जो कूलिंग हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण जो प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द प्रोडक्ट वो हमको सेम नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग, डिसएडवांटेज ऑफ कास्टिंग। पहला क्या है, पहला है कि द कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कास्टिंग। कास्टिंग की प्रक्रिया के दौरान जो कूलिंग हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके दिखाया बताया किस तरीके से ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि भाई जो जो कूलिंग हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होने के कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज जनरेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड आपका, दिस प्रोसेस इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्रक्रिया में समय लगता है, काफी मेहनत भी लगती है, क्योंकि आपने देखा कि स्टेप्स सारे स्टेप्स के दौरान में कि ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में टाइम लग रहा है भाई। हमें पैटर्न भी बनाना है, हमें कोर भी बनाना है, हमें कैविटी भी बनानी है, हमें मेल्टिंग भी करनी है, हमें पोरिंग भी करनी है, सारे स्टेप्स देखे हम लोगों ने। तो प्रोसेस में लेबोरियस है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। नेक्स्ट क्या है, बड़ा ड्रॉबैक है, इट हैज प्रॉब्लम ऑफ गैस डिफेक्ट्स। होता क्या है कि कास्टिंग की प्रक्रिया के दौरान जब आप कास्टिंग करते हैं तो कुछ अपनी मोल्ड कैविटी की गैसेस, कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये जो गैसेस हैं ये गैसेस कास्टिंग के जो आपकी कास्टिंग है उसमें ट्रैप हो जाती हैं,
ट्रैप होने का मतलब फंस जाती हैं, और इस ट्रैप होने के कारण ये कास्टिंग डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द कास्टिंग डज नॉट हैव स्मूथ सरफेस फिनिश। जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कास्टिंग प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सरफेस की स्मूथनेस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो हम फर्दर क्या करते हैं, फर्दर भाई सरफेस फिनिशिंग लाने के लिए हम यहां पर मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग करके हम उसकी जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाते हैं, तो मशीनिंग के द्वारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मटीरियल होता है, तो ये भी इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये इतने इसके डिसएडवांटेज हो गए कास्टिंग के। एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे देगा, इनमें से किसी एक के बारे में डिस्कशन कर देगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस, बहुत ह्यूज एप्लीकेशंस है, बहुत बड़ा फील्ड है कास्टिंग का। डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखे होंगे, जैसे आपको हाईवेज पे रेलिंग्स दिखती हैं, रेलवे के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे बफर हो गए, उनकी हाउसिंग्स हो गई, वो सारे आपके कास्टिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो कई जगह पर है, रेलवे इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपकी जो कार हो गए, ट्रक्स हो गई, इनकी जो चेचिस बनती है मेटल कास्टिंग के द्वारा बनती है, पिस्टन्स हो गई आपकी, पिस्टन रॉड्स हो गई, हाउसिंग्स हो गए, तो इस तरीके से इनका, रेलवे के बहुत सारे प्रोडक्ट, आपके जो बफर असेंबली बनती है आपने देखा होगा, दो रेल्स को, दो बोगियों को जोड़ने के लिए एक असेंबली होती है जिसको भी बफर असेंबली कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो होता है आपका एक्सपेंडेबल मोल्ड्स, जिसमें आपका शेल मोल्डिंग हो गया, जिसमें आपका CO2 मोल्ड हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया ग्रीन सैंड मोल्ड, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंडेबल मोल्ड्स, एक्सपेंडेबल मोल्ड का मतलब टेम्पररी मोल्ड, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो मोल्ड है वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब कि इस मोल्ड को आप रीयूज नहीं कर सकते, मतलब कि एक बार मोल्ड बनेगा और उससे एक ही बार कास्टिंग हो पाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेबल मोल्ड। नेक्स्ट कहलाता है आपका परमानेंट मोल्ड्स। परमानेंट मोल्ड्स में कौन कौन सी कास्टिंग है, परमानेंट मोल्ड में आपकी हो गई डाई कास्टिंग, और आपकी हो गई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग,
और है आपकी स्लस कास्टिंग, यहां पर जो मोल्ड्स बनते हैं वो मेटैलिक मोल्ड्स होते हैं। इन मोल्ड्स को हम बार बार यूज करते हैं और एक मोल्ड के द्वारा कई, एक मोल्ड से कई सारी कास्टिंग्स बनाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। तो यहां तक आपका जो है एक और बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपकी कास्टिंग के बारे में, कास्टिंग के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में, कास्टिंग के एडवांटेज हो गए, उनके डिसएडवांटेजेस हो गए, उनकी एप्लीकेशंस और क्लासिफिकेशन, ये हम आगे के सेशंस में इसको भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन में हम देखेंगे कास्टिंग में कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के अलाउंसेस क्या हैं, पैटर्न मटेरियल्स क्या हैं, पैटर्न की डिज़ाइन कैसे करते हैं हम, गेटिंग एलिमेंट्स की कैसे डिज़ाइन है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन होगा। ठीक है, थैंक यू।